नमस्कार आदाब, मैं मनोज राजन त्रिपाठी इलेक्शन यात्रा में अगले 30 मिनट में 350 किलोमीटर दायरे में फैली अवध क्षेत्र और सेंट्रल यूपी की कुछ अहम सीटों का चुनावी माहौल दिखाऊंगा, वहां का जायजा बताऊंगा। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। नवाबों का शहर, लजीज कबाबों का शहर। यहाँ सिर्फ गुम्बदों मीनार नहीं, कूचाओ बाजार नहीं, यहाँ के मिजाज में अदब है और रवायत है पहले आप पहले आपकी। लेकिन चुनावी माहौल ने इसे पहले मैं कर दिया है। चलिए चलते हैं शहर लखनऊ और जानते हैं वोटरों का मिजाज और टटोलते हैं उनकी नब्ज। दिल्ली का कनॉट प्लेस समझिए या देहरादून की मॉल रोड, ये असल में है लखनऊ का हजरतगंज इलाका। और हजरतगंज इलाके में चलते हैं, जानते हैं उन लोगों से जो वास्तविक तौर पर आम वोटर हैं, वो क्या चाहते हैं। कोई हमको मोदी के नाम से डराता है, कोई हमको अपना वोट बैंक समझता है। हमारी कोई कदर नहीं है, ना सुरक्षा है ना रोजगार है। मैं युवा हूँ, जोशील हूँ, मुझे रोजगार चाहिए। अब तो वही सरकार जो दे सुरक्षा और रोजगार। कोई ऐसी सरकार आए कि महंगाई कम हो और हर चीज़ की सुविधा मिले हम लोगों को, उल्टा ही हो जाता है। जो सोचते हैं वो हो नहीं पाता, ऐसी कोई सरकार बन नहीं पा रही है। तकरीबन साल भर पहले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह ने अशोक वाजपेयी, जो पूर्व कृषि मंत्री भी थे, उनको लखनऊ का टिकट दिया था। लेकिन इसके बाद अचानक राजनाथ सिंह के आने के बाद मुलायम सिंह ने वो टिकट काट कर अभिषेक मिश्रा को दे दिया, जो प्रोटोकॉल मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। अभिषेक मिश्रा युवा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, और सीधे उनसे बात। आपको क्या समझूं, युवा समझूं, ब्राह्मण चेहरा समझूं, समाजवादी पार्टी का एक अलहदा ब्लूप्रिंट समझूं, अचानक टिकट बदलने पे क्या समझूं? सब कुछ, ये तीनों मिला करके और इससे बहुत ज्यादा। एक साल से एक प्रत्याशी मेहनत कर रहा था, अचानक आसमान, ये क्या रणनीति है, उसका क्या हिस्सा है, इसको क्या मानो? देखिए, समाजवादी परिवार में एक साथ मिलकर के इकट्ठा होकर डिसीजन लिए जाते हैं। पहले अकेले लड़ रहे थे, अब हम दो लोग मिलकर के लड़ रहे हैं, दुगनी ताकत हो गई है, हम दुगनी संख्या से जीत करके आएंगे। हमारे जीत की मार्जिन बहुत गुना बढ़ जाएगी। आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से, इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, जनता को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष और विश्व अध्यक्ष से फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई छवि नहीं। आज वोट मांग रहे हैं, अंग वस्त्रम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक रामायण में कितने भरत होंगे? जो भरत खड़ाऊ लेके आए थे उनकी खड़ाऊ तो तोड़ दी उन्होंने, अब एक ही अंग वस्त्रम लेके आ गए। अगली बार अटल जी के पास देने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। लखनऊ से आम आदमी पार्टी ने दांव लगाया है सिने और टीवी स्टार जावेद जाफरी पर। देखना होगा ये दांव सिर्फ दांव है या वास्तव में एक सियासी रणनीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 4.5 लाख मुस्लिम मतदाता है, इसमें से 1.5 लाख सुन्नी और बाकी शिया है। तो सचमुच क्या ये अरविंद केजरीवाल का सिर एक दांव है, आम आदमी के तौर पर एक खास आदमी को उतारना, या वास्तविक तौर पर ये एक सियासी दांव अन्य दलों की तरह है? जावेद जाफरी, मेरी जंग से शुरुआत की थी रॉक एंड रोल से, वो रॉक एंड रोल वो जंग थी और ये एक जंग है, दो जंग, फ्रॉम वन जंग टू द अदर। आपको क्या लगता है आदि मानव जो आदि था वो बड़ा भोला भाला था, इस राजनीति में कितने लोग आपको भोले नजर आते हैं? सर, भोले बहुत कम, मतलब बहुत ही कम नजर आते हैं। सौ में से एक कोई है जो ईमानदार है, उसको ही उम्मीद पे दुनिया कायम है वो कहते हैं। मैं कलाकार यहाँ पे आया हूँ, आज मुझे जज किया जाएगा। ये थे जावेद जाफरी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मेरी जंग से की थी और अब अपने पॉलिटिकल करियर कर रहे हैं, उसका नाम भी मेरी ही जंग होना चाहिए, क्योंकि अब उनकी लड़ाई सीधे राजनीतिक मैदान में है, सियासी दिग्गजों से है, और शायद पहली बार वो खद्दरधारियों के बीच में आए हैं। देखना होगा कि उनके नतीजे में हार आती है या जीत। जावेद जाफरी को कहाँ देखा है आपने? जावेद जाफरी जैसे ही हमारे लखनऊ में आगमन हुआ है वहीं मैंने उन्हें प्रथम बार देखा है। आम आदमी पर टाइम कहाँ होता है, 24 घंटे 36 घंटा काम करता है, पिक्चर कहाँ देखेगा? पिक्चर तो देखा दे लिरिका हमारे। कौन है जावेद जाफरी? अरे बोलिए, जावेद जाफरी को कैसे जानती हैं? कैसे जानती है जावेद जाफरी? भाभी तो पूछो, आप बताइए कैसे जानती जावेद जाफरी? जावेद जाफरी को हम लोग हमेशा से जानते हैं। जावेद जाफरी एक बहुत बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, जो हम लोग पूछे, हम लोगों को बहुत खुशी है कि जावेद जाफरी जी हमारे क्षेत्र से हैं। कहाँ देखा इससे पहले? अरे वो तो हम लोगों को जो है हर सीरियल में उन लोग उनसे बहुत अट्रैक्टिव है, और मतलब जो है जो भी है। जावेद जाफरी
की जो छवि है हिंदुस्तान में वो एक बड़े अभिनेता के रूप में है और उसे खास आदमी कहा जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन मैं उनका जो उनके साथ मिलता जुलता बैठता हूँ, उनका जो व्यवहार है, तौर तरीका है, वो 100% आम आदमी वाला। कांग्रेस के गढ़ रहे लखनऊ में मंदिर आंदोलन के बाद 1991 से अटल बिहारी वाजपेयी का वर्चस्व रहा। फिर कभी खड़ाऊ रखकर लालजी टंडन ने वोट मांगे तो अब अंगवस्त्र के नाम पर राजनाथ वोट मांग रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी यहां की सबसे बड़ी वोटर है, लेकिन सिया मसलक अमूमन भाजपा को वोट देता है और 3.25 लाख ब्राह्मण मिलकर तय करते हैं कि लखनऊ का नतीजा क्या होगा। 1 लाख दलितों को सामने रखकर मायावती ने पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नकुल दुबे को टिकट दिया है, जबकि करीब 1.5 लाख पर्वतीय क्षेत्र के वोटों की बुनियाद पर कांग्रेस ने दांव चला है रीता बहुगुणा जोशी पर। भाई साहब, रीता बहुगुणा जी आपके बीच में, आपसे आपके पास आई, अब मायूस लगे लोगों की सूरत बदलेंगे, देश की सूरत बदलेंगे, वो जब इतिहास लिखा जाएगा तो कांग्रेस के नाम लिखा जाएगा और हमारे नाम। उत्तर प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष और दूसरी बार प्रत्याशी रीता जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना था, वो क्या मुद्दा है आपका चुनाव लड़ने का? देखिए, मुद्दा स्थानीय भी है, मुद्दा राष्ट्रीय भी है। राष्ट्रीय मुद्दा ये है कि हमारा संविधान टूटन के कगार पर है, हमारा जनतंत्र खतरे में है, एक फासिस्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति इस पर काबिज होने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक स्थानीय प्रश्न है, 25 वर्षों से लखनऊ पे भाजपा का कब्जा है, प्रधानमंत्री भी रहा, मुख्यमंत्री भी रहा, यहाँ के मंत्री नगर विकास यहाँ के रहे, केंद्र में भी रहे, उसके बावजूद लखनऊ बहुत बदहाली में जी रहा है। आपने राजनाथ जी के लिए बहुत सारी बातें बताई कि वहाँ गाजियाबाद छोड़ा, वहाँ से गए, इस पर क्या कहना है आप? झूठ है क्या? गाजियाबाद छोड़ दिए राजनाथ सिंह जी ने, कभी भी जिंदगी में एक जगह से 2 चुनाव नहीं लड़े। क्यों? 12 बंकी में आपने कहा पैरिस बनाऊंगा, भूल जाइए, हैंडपंप लगाना आपने मुनासिब नहीं समझा, छोड़कर निकल लिए। देखिए, अगर हार के छोड़िए तो भी माफ किए जा सकते हैं, पर जीत कर जनता को दिए गए आश्वासनों पे 2 कदम भी आगे ना चले तो ये धोखेबाजी है, और धोखाबाजी जो करे उसको चुनाव में। राजनाथ सिंह के ज्यादातर बाहर रहने की वजह से कमान खुद राजनाथ जी के चुनाव की संभाल रहे हैं उनके बेटे और भाजपा के एक कार्यकर्ता पंकज सिंह, वो टंडन जी को भी मनाते हैं और मोदी के नाम पर ही मोहर लगाते हैं, तो लखनऊ में जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं आप? लखनऊ में यहाँ पर हमारे सभी सीनियर लीडर्स, टंडन जी, मेयर दिनेश शर्मा जी और सभी वर्कर्स हमारे मिलकर इस चुनाव को गति देने का काम कर रहे हैं, और मैं तो एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी और फैमिली का मेंबर होने के नाते भी हम सब लोग प्रचार में जाना, लोगों से मिलना, उनकी बातों को सुनना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बने पर हम सब लोगों का क्या सपना है अपने देश के लिए, ये सब बातें कर रहे हैं। मोदी जी को ऑफर किया था टंडन जी ने जी, क्या किया गया, राजनाथ सिंह की उन्होंने कैसे बात मानी? नहीं, टंडन जी बहुत ही सम्मानीय लीडर हम सब लोगों के हैं, बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, और उन्होंने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनावों का भी संचालन कई बार किया, उनको विजयी बनाया, और उन लोगों ने अपना पूरा जीवन इसी विचारधारा पर पार्टी के लिए उन्होंने निकाला है, और उनके विषय में मैं बस यही कह सकता हूँ कि जो उनकी पकड़ है और जो उनका लोगों के बीच में है वह गजब का है। जनाब मुनव्वर राणा, जो हर वक्त का मर्म समझते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि इंसानियत को धर्म समझते हैं, देखते हैं कि मौजूदा सियासी हालातों को वो गुनगुना समझते हैं या गर्म समझते हैं? मैंने किसी जमाने में एक शेर कहा था कि ये देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गई। सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, कभी पत्थर पे देखा है कि कोई बेल लगती है? शेर इसमें यह है कि गलत बाजार की जानिब चले आए हैं हम शायद, चलो संसद में चलते हैं, वहां भी सेल लगती है। सड़कों में गड्ढे हो या गड्ढों में सड़क,
बिजली आए ना आए, जगह जगह ट्रैफिक जाम लगा रहे, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मोती झील का चौराहा हमेशा आबाद रहता है कानपुर में। और इस चुनावी माहौल में अगर ये मोती झील के चौराहे में ही पंचायत नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी? क्या है कानपुर का माहौल? कानपुर का माहौल तो ठीक है, पर ये हमारे यहाँ जो है सपा में सोन मोहन अग्रवाल लड़ रहे हैं, जो भी हो हाथ जीत अलग अपनी जगह पर है, पर टिकट बेचने का काम नहीं करते जैसे और दल के लोग करते हैं। जिसको देखो भाजपा भाजपा, लेकिन लेकिन भाजपा कहीं नहीं है, क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोयला घोटाला नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या सूजी घोटाला नहीं हुआ? वो घोटाला अटल जी के शासनकाल में हुआ, देश के अटल जी के शासनकाल में हुआ, मोदी। बड़ी अजीब सी बात है कि अभी तक इतनी देर में किसी ने कानपुर की गड्ढों के बारे में बात नहीं की, कानपुर की बिजली कटौती के बारे में बात नहीं की, यहाँ पर कोई मोदी की बात कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी की बात कर रहा है, सब जगह खुदा ही खुदा है। यहाँ कानपुर में इसलिए किसी को कोई चिंता नहीं, सब जगह खुदा है और खुदा है। सड़कें नहीं बनी तो क्या बनेंगे? कानपुर की समस्याओं के बारे में हम लोग खेल लेते हैं, राष्ट्र देखना पहला कर्तव्य है। जो इलेक्शन हो रहे हैं वो संसद के हो रहे हैं, तो हम लोग को पहले जो देश की जो समस्या है वो देखनी है, शहर की समस्या है अखिलेश देखेंगे। ये माहौल यहाँ का जो देखने को मिला, जिसमें हर पार्टी के का वोटर है, हर पार्टी अपनी अपनी बात कह रही है, हर पार्टी का वोटर अपनी अपनी बात कह रहा है। अब हम चलते हैं उस तरफ जहाँ पे कुछ सिख आज भी है जिनके परिवार 84 में उजड़ गए थे। अब देखते हैं इस चुनाव में उनकी क्या दशा है और उनकी क्या मांग है और क्या सोचकर अब वो देना चाहते हैं वोट। तकरीबन 30 साल पूरे होने को है और वो वक्फा याद आता है जब 84 में यहाँ पे सिख दंगे हुए, 2981 FIR दर्ज हुई और 2625 लोग इसमें अपीयर हुए। सरकार हमको वही चाहिए जो सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमसे भीख नहीं मांगे, सिखों के लिए इंसाफ चाहिए और जो कहते हैं वो करें। हम तो उसी को वोट देंगे जो हमारे साथ होंगे, जो हमारे हक के लिए लड़ेंगे, जो हमें नौकरी देंगे। किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में ना 84 के लिए कुछ है और ना सिख समाज के लिए है, मगर जो इंडिविजुअल्स कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे होते हैं वो सिखों की भावनाओं के साथ मैं कहूँगा खिलवाड़ करते हैं, उनको आकर के उनके सोए हुए जख्मों को फिर कुरते हैं और जिंदा कर देते हैं। ये शहर जो कपड़ा बनाता था पूरब का मैनचेस्टर कहलाता था, इसका बोर्ड बयां कर रहा है कि यहाँ की हालत क्या है। 2003 से धरना दे रहे हैं, आपकी मांग क्या है? 30 जून 2001 को कानपुर के की BIC की तीनों मिलों को एक साथ सिलेंडर करवा दिया। हमको सिवाय बर्बादी का कुछ नहीं मिला दोनों सरकारों में। मिल का धुआं तो चिमनी से नहीं निकला, मजदूर का पूरा कानपुर का धुआं निकल गया। 11 मिलों में एक भी मिल नहीं चल रही है। 11 साल हो गए हैं, अब तक नहीं सुनी, अब कैसे कोई सुनेगा? आज चुनाव में क्या करेंगे? हम साहब इनका बहिष्कार करेंगे, सीधे सीधे इनके विरोध में काम करेंगे। इनके विरोध में ये इसके कांग्रेस और भाजपा, ये भी इसी एल्गिन मिल के मजदूर थे जो आज यहाँ पंचर की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। कैसा लगता है आपको जब आप एक श्रमिक हुआ करते थे और आज आप पंचर जोड़ते हैं यहाँ पे? साहब उस समय श्रमिक हुआ था बहुत ही अच्छा लगता था। आज हम लोग 3,960 दिन से बैठे हुए हैं, हमारे 3 लड़कियां जवान हो रही हैं, ना इन्होंने पैसा दिया ना कुछ दिया, इसमें जो आता है 40-50 रुपए इसी में अपने परिवार का गुजारा करते हैं हम लोग। यही वो कानपुर है जहां पर जब नारे लगते थे तो रेलें रुक जाया करती थी, सड़कें जाम हो जाया करती थी, लेकिन आज उस कानपुर का श्रमिक, उस श्रमिकों के लिए पहचाना जाने वाला, कपड़ों के लिए पहचाने जाने वाला कानपुर एक फुटपाथ पर समिट कर रह गया है, एक पंचर की दुकान तक समिट कर रह गया है। और अब हम आगे चलते हैं, राजू श्रीवास्तव को टिकट कटने के बाद सुरेंद्र मोहन अग्रवाल को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने। राजू श्रीवास्तव के लंबे समय तक यहाँ पे काम करते रहे,
उसके बाद अचानक उनका टिकट कटता है और आप प्रत्याशी के तौर पर आते हैं, इसका फर्क क्या पड़ेगा, कैसे इतने कम समय में चुनाव संभालेंगे आप? नहीं, मैं तो समझता बहुत सफिशियंट समय है मेरे पास। मैं 98 में चुनाव लड़ा था 14 दिन का, तो टाइम के लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कानपुर का जो है गली गली मेरे को जानती है और गली गली में पहचाना हूँ। एक आपके नारा और लगा हुआ है कि मुझे गर्व है कि मैं कानपुर से हूँ और कानपुर के लिए हूँ, ये इशारा किसकी तरफ है आपका? ये इशारा जोशी जी की तरफ सीधा है, क्योंकि वो जिस शहर में चुनाव लड़ते हैं उस शहर में बाद में नजर नहीं आते। पहले हरिद्वार से लड़े, आज वहाँ की जनता ढूंढ रही है, फिर इलाहाबाद से लड़े वहाँ की ढूंढ रही है, फिर बनारस से लड़े वहाँ की जनता ढूंढ रही है। मैंने उनका एक होर्डिंग देखा अभी कि मैं कानपुर का संपूर्ण विकास करूंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 10-20 मोहल्लों का मैं नाम ले लूँ तो उनको कानपुर के मोहल्लों का नाम नहीं मालूम होगा, वो कानपुर का विकास क्या करेंगे? होने का मतलब ये नहीं है कि वो जिन पर ही नहीं, कई बार जिन्हें आप पूर्व समझते हैं वो अभूतपूर्व भी है। जनसंपर्क के बाद पदाधिकारियों की बैठक, और ये बैठक किसी क्लास से कम नहीं, क्योंकि यहाँ जोशी जी डांटते भी हैं और डपटते भी हैं, क्योंकि असल में इन पदाधिकारियों की एक क्लास है और उस क्लास में उनका पाला सिर्फ अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही नहीं बल्कि फिजिक्स के एक प्रोफेसर से भी होती है, जिसे अपने छात्रों की हर खूबी भी बखूबी मालूम है और कमियों का भी पूरा अंदाजा है। गंगानगरी कानपुर के 3 बार के सांसद, निवर्तमान मंत्री और पूर्व मेयर श्री प्रकाश जायसवाल जिनका मुकाबला है, और चूंकि लगातार वो सांसद है लिहाजा जवाबदेही भी उनकी है। कानपुर के विकास में कहीं कोई कमी नजर आती है आपको? बहुत सारी कमी है। असल में विकास का मुख्य कार्य तो राज्य सरकारों का होता है और नगर निगम का होता है, तो कमियां तो बहुत सारी है। भारत सरकार के माध्यम से जो संभव हुआ वो 15 साल में हमने कानपुर का कायाकल्प कर दिया, जो भारत सरकार के माध्यम से कानपुर में हमने 15 साल में 17 ट्रेनें चलवा दी, कानपुर में हमने 15 साल में 7 फ्लाईओवर बनवा दिए, कानपुर में हमने 15 साल में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना के अंतर्गत कानपुर को शामिल करा के 100 करोड़ रुपया दिलवा दिए। हम सबको मिलजुल के ये फर्ज निभाना है, हम सबको मिलजुल के ये फर्ज निभाना है, आया है चुनाव वोट जाने जाने। की गदर से जुड़े इस कानपुर शहर में मैं मनोज राजन त्रिपाठी अपने वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश रस्तोगी के साथ आज इस इलेक्शन यात्रा को यही विराम देता हूं। कल हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी राहुल और सोनिया के गढ़ रायबरेली और अमेठी की ओर। तब तक आपको एक वादा निभाना है, वोट डालने जरूर जाना है। चुनाव जाना है, आया है चुनाव।